हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला प्रोग्राम। टुडे वी शैल लर्न अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड इट्स टाइप्स, इफ स्टेटमेंट विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन और डिस्कशन शैल बी इंग्लिश और हिंदी। सो लेट्स हैव अ वंडरफुल स्टार्ट। कंट्रोल स्ट्रक्चर। Control structure are designed to allow you to create scripts that can decide which line of code are evaluated or executed, or how many times to evaluate or execute them. Control structure आपको script बनाने की अनुमति देने के लिए design की गई है, जो यह तय कर सकती है कि कौन से code की lines का मूल्यांकन करना है या चलाना है, या उन्हें कितनी बार चलाना है या उनका मूल्यांकन करना है। There are two different types of control structures or statements. Control structures or statements दो अलग अलग प्रकार की हैं। Conditional statements or structure, loop structure or statements. Next is conditional statements. Conditional statements are used to make decisions. Conditional statements का उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। In real life, we make all sorts of decisions based on criteria such as, am I being offered enough money to take this job? If the answer is yes, then the result is take the job. If the answer is no, then don't take the job. Real life में हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं जो कि किसी criteria के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई जॉब मिल रही है तो आप ये देखेंगे कि इस काम के लिए आपको जो पैसे मिल रहे हैं वे काफ़ी हैं। अगर हाँ तो आप वो जॉब ले लेंगे, अगर नहीं तो आप वो जॉब नहीं लेंगे। इन जावास्क्रिप्ट यू नीड टू मेक डिसीजंस अबाउट विच सेक्शंस ऑफ कोड टू इवेलुएट और एग्जीक्यूट। जावास्क्रिप्ट में आपको इस बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है कि कोड का कौन सा भाग चलना है या उसका मूल्यांकन करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क अ यूजर फॉर इनपुट सो यू कुड परफॉर्म अ कैलकुलेशन, यू विल वॉन्ट टू कैरी आउट द कैलकुलेशन इफ द इनपुट इज न्यूमेरिक बट नॉट इफ इट इजंट। उदाहरण के लिए, अगर आप यूजर को इनपुट एंटर करने के लिए कहते हैं ताकि उसके बेस पर आप आगे कैलकुलेशन कर सकें, तो आप चाहेंगे कि कैलकुलेशन तभी हो अगर इनपुट कोई नंबर है। अगर कोई नंबर नहीं है तो कैलकुलेशन ना हो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। द वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोस। तो अलग अलग जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। If statement, if else statement, if else if statement, और last में है switch statement. Next is flowchart and flowchart symbols. Flowchart से program को समझना आसान हो जाता है। Flowchart communication के लिए बहुत आसान होता है। Data कहाँ flow करता है ये flowchart हमें बताता है। किसी भी प्रॉब्लम को समझने में आसानी होती है। ये किसी भी न्यू सिस्टम को डिजाइन करने के लिए बेस्ट टूल है। फ्लोचार्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। उसमें सबसे पहले जो सिंबल के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ओवल, जो स्टार्ट और एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज एरो, ये हमारा जो डाटा है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो हमें बताता है कि कंट्रोल एक सिंबल से दूसरे सिंबल में जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल जो है डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल सिंबल। रेक्टेंगल सिंबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है।
एंड लास्ट वन इज पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज इफ स्टेटमेंट. द इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट बहुत ज्यादा उपयोग की जाने वाली डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. इट चेक्स अ कंडीशन एंड इफ इट इवैल्यूएट्स सो ट्रू देन द स्टेटमेंट्स दैट इट गवर्न्स आर एग्जीक्यूटेड. बट इफ इट इवैल्यूएट्स टू फॉल्स देन द स्टेटमेंट्स आर पास्ड ओवर. इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन होती है, उसको चेक किया जाता है कि उसका जो रिजल्ट है वो अगर सही है, ट्रू है, तो उसके आगे जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, उनका मूल्यांकन किया जाएगा. बट अगर जो कंडीशन है उसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स है, तो जितनी भी स्टेटमेंट्स उस इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखी होंगी वो पास ओवर हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी. नेक्स्ट इज सिंटैक्स. सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को लिखा जाता है, उसके आगे राउंड ब्रैकेट में कंडीशन को लिखा जाता है, उसके बाद जो है ओपन कर्ली ब्रैकेट को लगाया जाता है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का वो कोड लिखा जाता है जो अगर कंडीशन जो है ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्लोज कर्ली ब्रैकेट. कंडीशन जो है उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. जो जावास्क्रिप्ट कोड है जो हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है उसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगी अगर हमारी कंडीशन का जो रिजल्ट है वो सही है, ट्रू है. अब फ्लोचार्ट की सहायता से हम इफ स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने के बाद जो है यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा. इफ कंडीशन क्या, इफ के स्टेटमेंट के आगे जो हमने कंडीशन लिखी थी उसको टेस्ट किया जाएगा. जो जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. अगर इसका रिजल्ट ट्रू है तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूट होंगे. ये एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद जो है कंट्रोल हमारा इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा. अगर ये कंडीशन जो है इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स होता है तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये बाहर से ही एग्जिट कर जाएगा, ये इन स्टेटमेंट्स को पास ओवर कर देगा. तो सीधा यहाँ से अगर फॉल्स है तो सीधा जो है एग्जिट पे चला जाएगा, जो कंट्रोल है वो इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट. तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में जिसमें हम ये चेक करेंगे कि पर्सन जो है वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है. तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए. उसके बाद वेयर कीवर्ड की सहायता से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें हम 21 वैल्यू असाइन कर देंगे. फिर हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके अंदर वो कंडीशन लिखेंगे. उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है और उसके ये एक फंक्शन है जो जो टेक्स्ट हम इसके अंदर लिखेंगे वो इस टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा. तो हम लिखेंगे एलिजिबल फॉर वोटिंग और उसके बाद स्क्रिप्ट का क्लोज टैग. तो यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है ये एक कंपेरिजन और कंडीशनल ऑपरेटर है, और ये जो एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है ये एक कंडीशन है जिसका रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, ट्रू. क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि एज जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 21, जो कि 18 से क्या है बड़ी है. तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी. जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है इसको यूज किया जाता है टेक्स्ट को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए. तो जो हमारी आउटपुट है वो क्या आएगी,
eligible for voting. If the condition is true, अगर की condition true है तो हमारे output आएगी eligible for voting. Otherwise, nothing will be printed on the screen. तो otherwise कुछ भी screen पे print नहीं होगा. अभी इस चीज को हम फ्लो चार्ट की सहायता से भी समझ सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट, तो हमने एक वेरिएबल लिया है, उसमें वैल्यू हमने 21 असाइन कर दी. 21 असाइन करने के बाद जब हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन चेक होगी तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ट्रू. क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि 21 जो है वो 18 से क्या है, बड़ा है. तो रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा. ट्रू आएगा तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है स्टेटमेंट का ये एग्जीक्यूट होगा. तो एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, एलिजिबल फॉर वोटिंग. और जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद जो कंट्रोल है वो इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा. ये तो फ्लो चार्ट था अगर वैल्यू जो है 21 है. अगर एज की जो वैल्यू है वो 15 है तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो कंडीशन है जो चेक होगी उसमें जो रिजल्ट है वो आएगा फॉल्स. क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि जो वेरिएबल है एज वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू है वो है 15, जो कि 18 से क्या है, छोटी है. 18 से छोटी है तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, तो वो सीधा ही इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, एग्जिट पे चला जाएगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल टू, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास और नॉट. ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, हमने ये चेक करना है कि स्टूडेंट जो है वो क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं है. तो इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि स्टूडेंट का नाम होगा. तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग यूज किया, उसके बाद वेयर अनिश्क इक्वल्स टू यस. तो यहाँ पे पहले हमने नंबर टाइप की वैल्यू को असाइन किया, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर. तो यहाँ पे एक कंडीशन हमने यूज की, इफ अनिश्क डबल इक्वल्स टू यस. अगर जो अनिश्क की जो वैल्यू है वो यस के बराबर है तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अनिश्क इज प्रेजेंट इन द क्लास. अगर आप एग्जाम्पल 1 देखेंगे तो वहां पे मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं की थी. वो इसलिए नहीं यूज की थी क्योंकि एक ही लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी. अगर इफ स्टेटमेंट के बाद अगर एक सिंगल लाइन है जो एग्जीक्यूट होनी है तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने की जरूरत नहीं है. अगर यहाँ पे इस तरह से एक से ज़्यादा लाइन्स हम यूज कर रहे हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी. तो उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट का क्लोज टैग. यहाँ पे जो डबल इक्वल्स टू आप देख रहे हैं वो एक कंपैरिजन और कंडीशनल ऑपरेटर है, और ये जो कंडीशन है इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ट्रू. क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि अनिश्क जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, यस है, जो कि किसके बराबर है, यस स्ट्रिंग के बराबर है. तो जो ये लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. और जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो फंक्शन है उसका यूज हम करते हैं टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए. तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो आएगी अनिश्क इज प्रेजेंट इन द क्लास, अगर तो कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा. अब इस एग्जांपल को हम डायग्राम की सहायता से, फ्लो चार्ट की सहायता से समझेंगे. तो देखिए, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है अनिश्क, उसमें वैल्यू हमने असाइन कर दी यस. तो यहाँ पे कंडीशन टेस्ट हो रही है, तो कंडीशन टेस्ट हुई तो उसका जो रिजल्ट आया वो आया ट्रू. क्यों ट्रू आया? क्योंकि जो वैल्यू है अनिश्क वेरिएबल के अंदर वो है यस, जो कि यस स्ट्रिंग के बराबर है. तो हमारे पास जो है ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा.
इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी अभी यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी वो भी एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद जो कंट्रोल है वो सीधे इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अगर जो वैल्यू है वो वेरिएबल में है नो, अगर नो है तो यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी और इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि रिस्क वेरिएबल के अंदर वैल्यू है नो जो कि यस के बराबर नहीं है, तो जो कंट्रोल है वो सीधा जो है आपका एग्जिट सिंबल के पास चला जाएगा, मतलब इफ स्टेटमेंट से बाहर कंट्रोल चला जाएगा, वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन जो है वो क्या होगी, ट्रू होगी। नेक्स्ट इज लाइव डेमो। फॉर प्रैक्टिस एट होम यू कैन विजिट फॉलोइंग वेबसाइट्स और URL। तो ये URLs हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक मैंने प्रोग्राम बनाए हैं, आपको ये वहाँ पे ले जाएगा। यहाँ पे आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है व्हेन द वैल्यू ऑफ अनिश्क वेरिएबल इज यस द आउटपुट विल बी अनिश्क इज प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स अगर मैं हटा देता हूँ तब भी हमारा प्रोग्राम जो है वो चलेगा, देखिए तब भी आउटपुट वही आएगी। और जब अनिश्क वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नो है तो आउटपुट क्या आए, कुछ भी नहीं। ये मैंने देखिए यहाँ पे लिखा नथिंग विल बी प्रिंटेड, वो आपके लिए लिखा है कि मैसेज आपको दिखाई दे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, एग्जिट करता हूँ, तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड जो प्रोग्राम है इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आ गया, उसके बाद आप रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इफ स्टेटमेंट विदाउट कर्ली ब्रैकेट एंड सिंगल स्टेटमेंट एंड वैल्यू इज एज इक्वल्स 21। देखिए यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं की है तो क्या है, वैल्यू अगर 21 है तो क्या आएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो ये इसको मैंने प्रिंट कर लिया। सेकंड क्या है, इफ स्टेटमेंट विदाउट कर्ली ब्रैकेट एंड मोर देन वन स्टेटमेंट एंड एज इज 21, और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आप यूज करते हैं तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये इसको तो एग्जीक्यूट कर ही रहा है बट बाद में इसको भी एग्जीक्यूट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देके भी लिखता हूँ तब भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा एलिजिबल फॉर वोटिंग वन, ये देखिए। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पे और समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट विद कर्ली ब्रैकेट्स मोर देन वन स्टेटमेंट इज की जो वैल्यू है वो 21 है। अब हम कर्ली ब्रैकेट के साथ कर रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट के साथ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो हैं वो जो दोनों जो स्ट्रिंग्स हमने इसमें स्पेसिफाई किए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है अगर इफ स्टेटमेंट विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स एंड सिंगल स्टेटमेंट, और अगर हमने एज की वैल्यू जो है वो 15 ली है तो क्या हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। और नेक्स्ट केस क्या है, इफ स्टेटमेंट विदाउट कर्ली ब्रैकेट एंड मोर देन वन स्टेटमेंट एंड एज इक्वल्स टू 15, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है क्योंकि ये क्या है, इफ स्टेटमेंट के बाहर है। नेक्स्ट क्या है, इफ स्टेटमेंट विद कर्ली ब्रैकेट एंड मोर देन वन स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट के साथ और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आप अब ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स अंतर हैं, तो इसने क्या किया, इन कुछ भी प्रिंट नहीं किया और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बाहर है तो इसको उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनको हम तब यूज करते हैं जब मोर देन वन स्टेटमेंट जो है उनको हमने एग्जीक्यूट करना है। ये सेम प्रोग्राम जो है इसको आप अगर कंप्यूटर पे करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे,
नोटपैड ओपन करने के बाद इसको आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इस फाइल को आप सेव कर लीजिए। मैं सेव कर लेता हूँ इसको जावास्क्रिप्ट demo.html, जिसमें मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप अपने कंप्यूटर पे जो है वहाँ पे भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप स्कूल जाएंगे आईसीटी लैब में बैठ के आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए आउटपुट जो है आपको, ये देखिए इस तरह से आउटपुट आपकी दिखाई देगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।